प्लीज डोंट परचेज, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं है। ये चीज मैंने पहले देखी नहीं, गलती मेरी भी है, वो खाली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब हेल्दी और सेफ होंगे अपने अपने घर में। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन एंड DMs, जितने भी आए हैं। मेरे को व्यूज़ की नहीं है कि हमें कितने व्यूज आएंगे, लेकिन जितना कुछ भी मैं डालूँ, अगर आप इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे मेरे लिए, वो भी बहुत है। मुझे व्यूज़ का इतना, मतलब कि कोई कहते हैं ना कि भाई बड़ी तड़प होती है, उस सब का नहीं है। मुझे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स सपोर्ट आप लोग कर रहे हो, मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। और एंड मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मुझे आ सकता है, जितना आप लोग दे रहे हो कमेंट सेक्शन में एंड DMs में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड आज का दिन शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ही चीज़ मैंने याद रखी है कि जो बंदा नेगेटिव करता है उसका तो पहले साथ छोड़ ही दो, हमेशा पॉजिटिव बंदे के साथ रहो, हमेशा पॉजिटिव साइड जाओगे और हमेशा सक्सेस की तरफ ही जाओगे। अगर जितना नेगेटिव बंदों की तरफ साथ रहोगे ना, उतना नेगेटिविटी आएगी वो AU 100 की। सो गाइज प्लीज़, अगर आप सोच रहे हो व्लॉगिंग शुरू करने के लिए और आप व्लॉगिंग कर रहे हो iOS से, सो प्लीज़ डोंट परचेज, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं है। ये चीज़ मैंने पहले देखी नहीं, गलती मेरी भी है। वो खाली एंड्रॉयड के साथ ही काम करता है, वो एंड्रॉयड में भी ऐप के साथ काम करेगा, लेकिन चलो, लेकिन उसका जो बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी है वो एकदम परफेक्ट है। उसमें कोई शक नहीं है कि भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत सही प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे तो किसी काम का नहीं है। लेकिन मुझे अब वो वापस नहीं करवाना है, अब मैं वो अपने एंड्रॉयड सेकेंडरी फ़ोन जो मेरा एंड्रॉयड है उसका यूज़ करूँगा मैं सोच रहा हूँ। और अब मैंने इसके लिए एक और मंगवाया हुआ है, सो देखते हैं जब वो आता है तो उसकी अनबॉक्सिंग आपको बताएंगे और बताएंगे कि वो कैसा है। इसकी तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी और साउंड क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन ये हमारे तो कोई काम आया नहीं। तो सब अब देखते हैं कि दूसरा आता है तो उसका क्या होता है, लेकिन उस पर तो मेंशन किया होगा कि वो iOS के साथ कंपेटेबल है। कसम से इतना एक्साइटेड था ना मैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी एक्साइटमेंट का। वो इतना एक्साइटेड था कि नहीं, अब मैं उससे ब्लॉग करूँगा, ये करूँगा सारा। जब मैं कुछ ज़्यादा सोचता हूँ ना, वो काम कभी नहीं होता। ये सब लगाया मैंने, कोई काम नहीं होता जब मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि नहीं अब हो जाएगा, नहीं अब ये है वो है, कुछ नहीं होता। पता नहीं क्या है ऐसा। अभी जस्ट मैं हेयर कट लेके आया हूँ एंड थोड़ी बियर्ड कट करवा के आया हूँ, ज़रूर बताना कैसी लग रही है। एंड अभी हुए हैं 11:15, तो अभी सोच रहा हूँ इसके बाद ब्रूनो को नहलाया जाए, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है वो, और उसको नहलाने में बहुत ड्रामे करता है। आज आपको दिखाऊंगा क्या करता है वो, क्या हरकतें करता है वो। नहाना चलो अब इसको नहाने वाला काम निपटा ले पहले। नहाना, वो देखो समय गया। देख। और अभी वैसे भी घर पे ही रहना चाहिए, सो टाइम पास के लिए हम और कुछ नहीं तो शूट ही कर लेते हैं अपना, थोड़ी रील्स थोड़ी फोटोज़। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो उसी चीज़ का हुआ जो माइक नहीं चला। अगर वो माइक चल जाता तो आज ऑडियो क्वालिटी हमारी और कुछ होती। और वैसे भी जो माइक है वो, लेकिन काम तो आ ही रहा है, लेकिन वो एंड्रॉयड के साथ ही आ रहा है, iOS के साथ तो आ ही नहीं रहा काम। तो अब जो दूसरा ऑर्डर किया उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कोरोना है, खराब हो रही है। और आप सब भी अपने घर पे रहें, बाहर मत निकलें, कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अब अगर प्रॉपर लॉकडाउन होगा तो तभी कंट्रोल में आएगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कंट्रोल में आने वाली है ये। सो अपने घर पे रहें सब, वो सेफ़ रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, उनके साथ रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनकी जैसा ये चल रहा है ना, इससे अब मैं बोलना तो नहीं चाहता हर वीडियो में यही चीज़ सेम चीज़ बोलूँ जो हो रही है। आगे इतनी नेगेटिविटी मैं बोल के और नेगेटिविटी बुलाऊँ। सो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये
वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो गुड नाइट।